गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रतिदिन मंदिर हाई स्कूल से दर्शना में आज कक्षा 11 में आपको चौथा चैप्टर दशक धर्म लक्षण जो हमने पार्ट एक में पढ़ा था, इसका दूसरा पार्ट आज पढ़ा रहे हो। पार्ट एक में हमने धर्म के पांच लक्षणों को देखा था, जिसमें ध्रुति, क्षमा, दम, अस्तित्व और सोच, और आगे हम बाकी के पांच लक्षणों को देखेंगे, जिसमें है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह श्रोता पृष्ठवा च दृष्टवा च भुक्तवा ग्राहत्वा च यो न रह न पश्यति ग्लायति वास विज्ञेयो जितेन्द्रिय, यानी श्रुत्वा यानी सुनकर, स्पृष्टवा यानी छूकर, दृष्टवा यानी देखकर, भुक्तवा यानी खाकर, द्राक्वा यानी सूंघकर, जो न यानी जो मनुष्य न पश्यति ग्लायति यानी जो पश्यति यानी प्रसन्न नहीं होता और ग्लायति यानी दुखी नहीं होता, वास विज्ञेयो जितेन्द्रिय वही मनुष्य जितेन्द्रिय जानना चाहिए, उसी मनुष्य को जितेन्द्रिय जानना चाहिए। तो कौन किसको इंद्रिय निग्रह कहते हैं कि जो सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर, सोकर प्रसन्न या दुखी नहीं होता है, वही मनुष्य को हमें जितेन्द्रिय जानना चाहिए। अब आगे है दीधि यानी बुद्धि, प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्यकारी भयाभय बंधनम मोक्षम च यावेति बुद्धिशा पात्र सात्वी को। तो हे पाठ यहाँ पर सा पात्र सात्वी को यानी हे पाठ जो बुद्धि पव प्रवृत्ति और निवृत्ति को के भय और अभय को क्या कहते बंधन और मोक्ष को जानता है वही सात्विक बुद्धि होती है। यानी ये बात जो बुद्धि एवं प्रवृत्ति का मतलब होता है बुद्धि एवं निवृत्ति को यानी प्रवृत्ति एवं निवृत्ति को जो भय और अभय को की कार्यकारी करने योग्य कार्य और न करने योग्य कार्य को बंधन और मोक्ष को जो जानता है उसे ही सात्विक बुद्धि कहा जाता है। फिर है विद्या, अनेक संशयो अचिन्त्य परोक्षार्थस्य दशकम् सदृश्य लोचनम शास्त्र अस्य नास्य बंधः एवं स। यानी अनेक संशयों अचेद्य यानी अनेक संशयों का उच्छेदन एवं परोक्षार्थस्य दक्षिणम निहित परोक्ष अर्थ का दर्शन कराने वाला शास्त्र। क्या निहित परोक्ष अर्थ का दर्शन कराने वाला शास्त्र सर्वस्य लोचन शास्त्रम यस्य नास्य बंध एवं च। तो कराने वाला शास्त्र सभी के नेत्र है, जो सभी शास्त्रों का दर्शन कराने वाले नेत्र है वही कराने वाले शास्त्र है वो सभी के नेत्र है। जिसके पास ये शास्त्र नहीं होता अश्य नास्य बंधनम एव, जिसके पास वो शास्त्र नहीं होते हैं वो नेत्रवान होता है यानी कि अंधा होता है। फिर है सत्यम यानी सत्य यथार्थ कथनम त्यज्य सर्वलोकम सुखम प्रदम तत्सत्यम अति विज्ञेयम सत्यम द्रव
वो तप करता है, फिर कहते हैं यानी जो प्रयत्न करता है, दान जो यानी जो दान करता है, वह सब कुछ हर भी लेता है, वो सब कुछ का क्रोध हर लेता है। अतः क्रोध का परिणाम करना चाहिए, क्रोध का हमें क्या करना चाहिए, परिणाम नहीं परित्याग करना चाहिए। क्या जो तप करता है, जो प्रयत्न करता है, दान करता है, वो सब कुछ क्रोध हर लेता है। अतः क्रोध का हमें क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने दसम स्कंद में 10 लक्षण देखे, तो इस चैप्टर के सारे श्लोकों का आपको ट्रांसलेशन करना है, इसकी टिप्पणी लिखनी है और इसके सवाल जवाब